यत् सत्यं तत् शिवम्, यत् शिवम् तत् सुंदरम्। जहां सत्य है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां सुंदरता है। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याणकारी है, सभी के लिए और सदा मंगलकारी एवं हितैषी होने के कारण वे सदा शिव हैं। परमात्मा शिव की समस्त संसार और प्राणियों के लिए हितकारिता ही उनकी सच्ची सुंदरता है। सी और व से बना शिव शब्द पाप नाशक और मुक्ति दाता है, अर्थात जो सबके पाप हरते हैं और सबको मुक्ति देते हैं वे परमात्मा शिव हैं। शिव के आध्यात्मिक ज्ञान गुण और शक्तियां ही तो उनके शिवत्व हैं। उन्हें धारण करने से मनुष्य में आंतरिक शक्ति एवं सदुगुणों का विकास होता है, तथा उनके अवगुण एवं विकारों का अंत होता है। शिवत्व से ही मानव जीवन और समाज में देवत्व की पुनः स्थापना एवं दानवी संस्कारों की पूर्ण समाप्ति होती है। शिव आध्यात्मिक ज्ञान के सूर्य हैं और शिवत्व उनके मंगलदायिनी गुण तथा शक्तियों की किरण, जो हर समय हर स्थान और हर प्राणी के ऊपर पड़ती है। तभी तो गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाशा। परंतु अगर हमारे घर के दरवाजे खिड़कियां और रोशनदान सभी बंद पड़े हैं, तो हम रोशनी न मिलने का दोष न तो सूर्य और न ही उसकी किरणों को दे सकते हैं। जैसे दैहिक प्राप्ति के लिए दैहिक संबंधियों को याद किया जाता है, वैसे ही देह रहित निराकार परमात्मा शिव से सुख शांति रूपी शिवत्व की रोशनी पाने के लिए हमें अपने शरीर रूपी कुटिया यानी भ्रिकुटी के मध्य विराजमान आत्मिक ज्ञान की खिड़की खोलनी होगी और निराकार शिव को याद करना होगा। मनुष्य का मन बुद्धि से शिव की स्मृति में रहकर सांसारिक कर्म में प्रवृत्त होने को ही सर्वोच्च योग यानी राजयोग कहा गया है। इसी को गीता में योगस्थ गुरु कर्माणि कहा गया है, और इसी से ही हर कर्म में आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्मसाहस, आत्मकुशलता एवं आत्मसंतुष्टि रूपी शिवत्व की प्राप्ति होती है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।